Good afternoon, kids. Good afternoon. So, am I live? Everybody can see me and hear me nice and clear. Do let me know in the chat box. Yes. Hello, Gaurav. Hi, Manisha. Hello, Muskan. Hi, Gaurav. Hello, Masi Studio Chinmei. So, everybody's here. Am I live, Bacho? Do let me know in the chat box. Yes. Everybody. Yes, ma'am is live and we can start with another lecture on animal tissues in a very famous Sankalp series and today we'll be covering connective tissue in details because in the last class we have covered epithelial tissue and today is the topic in which we'll be covering the connective tissue which is very important and it is a, one of the most detailed topic. Right, Bacho? So let's start with connective tissue.

24000 से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं आप भी हमसे जरूर जुड़िए अनकैडमी नीट टॉपर का ये चैनल है जहाँ पे आपको वीडियोस और सारे हैंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे उसके बाद बच्चों यस दिस इज अ न्यू बैच स्टार्टिंग पहल बैच एज यू कैन सी बच्चों इतने अमेजिंग टीचर्स है यू हैव पंकज तलवार सर प्रदीप आशीष सर यू हैव एस के सिंह सौरभ शर्मा सर द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट तो जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है एंड दोंग्रेश बैच उनके लिए सबसे अमेजिंग है क्योंकि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए सो दिस इज द राइट टाइम बचो यू गेट दिस क्रैच कोर्स विद द बेस्ट ऑफ द टीचर्स इन द पहल बैच और देख सकते हैं आप ये सारे टॉप एजुकेटर्स है सो यू विल फाइंड दिस बैच ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे ये एक तरह का क्रैश कोर्स नहीं ट्वेंटी 2021 के लिए जो 21 दिसंबर से ही शुरू हो रहा है और ये मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ सारे टॉप एजुकेटर्स है फ्रॉम कोटा यस इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है यू हैव टू गो टू अन अकेडमी लर्निंग एप इंस्टॉल पे जाना है प्लस पे जाना है बच्चों नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन अब आप यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स जितने भी महीने बच्चे उतने का ले ले क्योंकि पहल बैच नया शुरू हो रहा है तो यहाँ पे सिक्स ट्वेल्व फोर मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जीए नीट रेफरल कोड जरूर लगाना है टू अवेल योर टेन परसेंट ऑफ तो इतने टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए जीए नीट रेफरल कोड आप लगाएंगे तो आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है उसके बाद बच्चों बच्चों यस वी हैव आइकॉनिक आइकॉनिक वेल ये में आपको आपको पर्सनल कोच मिलता है है ठीक जो आपके सारे डाउट्स लेंगे यही पहल टीचर्स भी आपको मिल सकते हैं एंड यू विल यूज कोड टू गेट उसेंड फाइव हंड्रेड तो यहां पे 24 हो गए अब शुरू करते हैं पढ़ाई बच्चों अब पढ़ाई शुरू करते हैं चलो आज तो बढ़िया-बढ़िया से ये सब चीजें आज हमको पढ़नी है बच्चों ये सब चीजें हमको पढ़नी है सो so, बिफोर आई स्टार्ट जैसे कि आपको पता है ब्लैंक स्लाइड आ चुके हैं बच्चों नाउ विल बी स्टार्ट मेकिंग नोट्स सो आर यू विद मी एवरीबॉडी इज विद मी चलो बेटा आज की हेडिंग डालते हैं सबसे पहले सुंदर-सुंदर सोनी-सोनी हेडिंग डाल देते हैं वी हैव टू राइट फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मैम ने लास्ट क्लास में क्या बताया था जल्दी से छाप दो चार्ट बॉक्स में क्या बताया था मैम ने मैम ने बताया था कि जो ओरिजिन होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन तो पहला पॉइंट जब भी आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हमेशा कि कनेक्टिव टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन ठीक है बच्चों और अब भी इसको डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि बच्चों सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीजों से बना हुआ है क्या आप सबने खीर खाई है ये ना बड़ी टेस्टी सी डिजर्ट होती है खीर है ना खीर सबने खाई होगी खीर में क्या क्या होता है जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में यस बच्चों खुशी दीजिए मैम की खीर के अंदर बेटा चावल होते हैं खीर के अंदर दूध होता है खीर के अंदर चीनी होती है खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स होता है है ना बच्चों यही सब चीजें होती है खीर के अंदर तो यही चीज आपके कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू के पास भी बच्चों तीन चीजें होती है कितनी चीजें होती है तीन चीजें तो जल्दी से मेरे साथ चैट बॉक्स में भी लिखते रहो नोट्स भी बनाते रहो पहली चीज क्या होती है बच्चों राइस राइस माने फाइबर्स राइस माने फाइबर्स तो यानी पहली चीज जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में होती है वो क्या होते हैं बच्चों फाइबर्स फिर क्या होता है दूध दूध के बिना तो बन बनी नहीं सकती तो यहाँ पे मिल्क यानी मैट्रिक्स मिल्क माने मैट्रिक्स तो दूसरा कंपोनेंट जो आपके कनेक्टिव टिश्यू का होता है वो होता है मैट्रिक्स ठीक है अब आते हैं बेटा तीसरी चीज क्या होती है बड़िया बड़े मजा आ जाता है खीर खाने में है ना खीर खाने में बिल्कुल मजा आ जाता है तो जितने टाइप के ड्राई फ्रूट्स होते हैं उतने टाइप के ही सेल्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों उतने ही टाइप के सेल्स होते हैं तो ये तीनों चीजें मिला के बेसिकली आपका क्या बनता है बच्चों कनेक्टिव टिशू बनता है अब हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आ रहे हो विद मी? से yes. तो हम फाइबर दूसरा है इलास्टिन फाइबर कौन कौन से फाइबर से बच्चा पार्टी द चैट बॉक्स पहला फाइबर कौन सा फाइबर फिर जो दूसरा फाइबर है वो हमारा कौन सा है इलास्टिक फाइबर दूसरा कौन सा बच्चों इलास्टिक फाइबर अब जरा इनके प्रोटीन की बात करते हैं कौन से प्रोटीन से बना होता है कोलाजन फाइबर कोर्स कोलाजन प्रोटीन से तो कोलाजन फाइबर किससे बना है कोलाजन प्रोटीन से जबकि इलास्टिक फाइबर किससे बना है इलास्टिन प्रोटीन से किससे बना है बच्चों इलास्टिन प्रोटीन से ठीक है

चलो बेटा हो गया काम हो गया अब इसके कलर की बात करते हैं कोलाजन फाइबर्स क्या होता है व्हाइट एंड कलर होते हैं सो वी आर गोइंग टू राइट व्हाइट एंड कलर जबकि ये वाला इलास्टिन प्रोटीन के कारण क्या हो जाता है बच्चों येलो इन कलर राइट साक्षी तो गया येलो इन कलर ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हम तीसरी चीज देखेंगे जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं क्या होते हैं मेरे बच्चों ये ब्रांच होते हैं जबकि जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये आपके ब्रांच होते हैं क्या होते हैं बच्चों ये ये वाले आपके ब्रांच होते हैं अब बच्चों जब हम कोलाजन को हीट करते हैं समझो ध्यान से जब हम कोलाजन को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद यहाँ से छोटे-छोटे केमिकल्स की फॉर्म में हमें क्या मिलता है जिलेटिन क्या मिलता है बच्चों फिर हमें जिलेटिन और यही जिलेटिन आप यूज कर सकते हैं क्या बनाने में बच्चों जेलीज क्या बनाने में यूज कर सकते हैं आप जेलीज बोलते हैं ना तुम बचपन में जेलीज खाते थे एलपेन लीबे है ना एलपेन लीबे तो उसमें ना वो जेली वाली कैल्पेन लीबे आती है तो वो जेली एक तरह की और जेली बनाने के लिए आपको जिलेटिन चाहिए जिलेटिन बनाने के लिए आपको कोलेजन को हीट करना पड़ेगा कोलेजन क्या है वाइट कलर का फाइबर है जो इन इलास्टिक इन नेचर होता है तो ये तो हो गए हमारे फाइबर्स की बात अब जरा मैट्रिक्स पे भी आ जाते हैं आज है भाई बच्चों, so, मैट्रिक्स पे आते matrix पे, तो मैट्रिक्स की बात करें तो इसे कॉमन नेम यानी सरल भाषा में से ground substance बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको ग्राउंड सब्सटेंस तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड सब्सटेंस अब जो खीर होती है जब खीर बन जाती है तो जो खीर है वो चिपचिपी होती है नहीं होती है? थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी क्या होती है थोड़ा ऐसे बिल्कुल पानी की तरह तो नहीं होती खीर तो गाढ़ी होती है मेरे बच्चों है ना तो यहाँ पे अगर ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है खूब सारा ग्लाइको प्रोटीन क्या होता है खूब सारा ग्लाइको प्रोटीन ठीक है इसी के साथ-साथ बच्चों इसमें हो सकता है हाइलूरोनिक एसिड क्या हो सकता है बच्चों हाइलूरोनिक एसिड तो ये आपका खीर के बेस बनाने का काम करेगा जिसमें प्रेजेंट होंगे आपके सारे सेल्स तो यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं लेट्स कम टू द थर्ड हेडिंग विच इज सेल्स तो स्टार्ट करें बच्चों सेल से कौन-कौन से टाइप ऑफ सेल्स है तो जो पहले टाइप का सेल एनसीईआरटी ने भी हमें बना के दिया है वो है आपका फाइब्रोब्लास्ट क्या है बच्चों आपका फेब्रोब्लास्ट सेल तो फिब्रोब्लास्ट नाम का विखंडन करो और मतलब निकालो फेब्रोब्लास्ट यानी ऐसे सेल्स जो फाइबर और मैट्रिक्स बनाएंगे सो दे सिंथेसाइज फाइबर एंड मैट्रिक्स तो ये फाइबर और मैट्रिक्स दोनों बनाते हैं तभी तो इसका नाम क्या है फेब्रोब्लास्ट सेल अब आते सेकंड पे बच्चों Macrophages. Second, क्या है बच्चों का क्या काम था नाम से पता लग रहा है माने माने बड़े यानी कि ये phagocytic cells होते हैं कैसे सेल्स होते हैं बच्चों ये सेल्स जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों वो कौन सा है मास्ट सेल कौन सा बच्चों मास्ट सेल तो अगर मास्ट सेल की बात करें बच्चों तो मास्ट सेल क्या क्या प्रोड्यूस करता है सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन और हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? वट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन इट एक्ट एज अटो डायलेटर ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है बिकॉज इट इज अ वेसो डायलेटर वही पे इसका ऑपोजिट काम कौन करता है सेरोटोनिन कौन काम करता है बच्चों सेरोटोनिन जो क्या है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है क्योंकि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है क्या करता है बच्चों ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन राइट इसी के अलावा बच्चों तीसरी चीज एक और आती है जिसे हम कहते हैं हिपेरिन एंड हिपेरिनेस एंटी कोआगुलेंट हिपेरिन इज व्हाट एंटी कोआगुलेंट आया सबको समझ में लिख रहे हैं सब बच्चे लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यस एवरीबॉडी लिखा सबने बेटा स्पीड तो तेज नहीं हो रही है फिर से बता देना यार आज सुबह कमेंट्स मैंने देखे म्यूनिसपल काउंसिल आजमपुर ने लिखा तमाम स्पीड तेज हो रही थी तो बता दो मुझे तो अभी सबने लिखा अब हम और सेल्स की बात करने वाले बाकी बाकी लेट्स जैसे कि बच्चों द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स वी आर गोना डू इज अच्छा स्पीड ठीक है ना चलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस तो यहां पे अब नेक्स्ट की बात करते बच्चों तीन तरह के सेल्स तो हम कर कौन से बच्चों प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं राइट right, बच्चों फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल्स की अगर हम बात करें द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स वी हैव आर एडिपोसाइट्स एडिपोसाइट्स बच्चों एडिपोसाइट से क्या पता लगता है एडिपोस एडिपोस मतलब फैट यानी कि कौन से सेल्स से है जो फैट स्टोर करेंगे क्या स्टोर करने वाले बच्चों ये दे आर गोइंग टू स्टोर फैट्स दे आर गोइंग टू स्टोर व्हाट फैट्स ठीक है तो ये सारे टाइप के सेल्स आपको मिल जाएंगे ठीक है यस बिल्कुल तो इतना लिखा सबने डंडन डंडन यस डंडन डंडन दन दन आदन दन चलो अब हमने ये तो देख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ये पूरा इंट्रोडक्शन कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू क्या है क्या ओरिजिन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है अब इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन सो हियर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो क्लासिफिकेशन में बच्चों तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है कितने टाइप के है बच्चों तीन तरह की क्लासिफिकेशन है द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू देन वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है हमारे पास तीन तरह के बच्चों अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा ले क्या कहते हो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा ले थोड़ा सा होता है? दिमाग लगाओ, लगाओ बच्चों अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो यानी खीर पतली है खीर पतली क्यों है क्योंकि उसमें दूध ज्यादा है और पानी कम है ठीक है यस बिल्कुल तो यहाँ पे भी यही चीज है लूज कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों क्या हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है और यहीं पे फाइबर का अमाउंट क्या है बच्चों कम है तो इसलिए द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे आपको दो तरह के करने हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज

और यहाँ पे भी दो तरह के हैं दो तरह के एक है डेंस रेगुलर एक है डेंस रेगुलर जबकि दूसरे वाला क्या है बच्चों डेंस इरेगुलर दूसरे वाला क्या है बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब आते हैं बच्चों तीसरे वाले पे यस लेट्स कम टू द थर्ड वन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसमें दो कैटेगरी है पहली कैटेगरी क्या, क्या है स्केलेटल वाली और दूसरी कैटेगरी आपकी फ्लूइड वाली दूसरी कैटेगरी कौन सी है बच्चों आपकी फ्लूइड वाली ठीक है ये रही स्केलेटल एंड फ्लूइड अब स्केलेटल में वी हैव हाँ टू स्ट्रक्चर बोन एंड कार्टिलेज बोन एंड कार्टिलेज वहीं पे बच्चों फ्लूइड में कौन-कौन से आएंगे बताओ चैट बॉक्स में मैं थोड़ी बताऊंगी सारा तुम्हें भी तो बताना है है ना संतोष तुम्हें भी तो बताना है मेरे नालायको

तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है फर्स्ट थिंग गोना स्टार्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पहला वाला जो हमको करना है वो कौन सा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यही हमको करना है एक चित्र हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है है ना एक चित्र हमारी एनसीईआरटी ने दिया है तो इसका मतलब हमें भी डायग्राम बनाना है तो मेरे बच्चों मैम के साथ डायग्राम बनाते हैं एक एनसीआर ने बीच में लंबा सा सेल बनाया हुआ है बड़ा सा सेल बनाया हुआ है इस तरीके से और इस सेल का नाम क्या है बच्चों? दिस सेल 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 क्या बनाया है? ठीक है और फेब्रोब्लास्ट सेल से बच्चों जो लंबे लंबे फाइबर निकल रहे हैं उन्हें क्या बोला है हमने कोलाजन फाइबर्स तो ये है आपके लंबे लंबे फाइबर्स जो इस सेल से बाहर की ओर निकल रहे हैं तो इन्हें हमने बोला फाइबर्स ठीक है बच्चों यहाँ पे अब एक और सेल है जिसका ना कोई शेप है ना कोई ठिकाना है जिसका ना कोई शेप है ना ठिकाना है उस सेल का नाम क्या है बच्चों मेक्रोफेज मैक्रो यस yes, मैक्रो नहीं बेटा मैक्रोफेज ठीक है बिल्कुल सही तो ये वाले सेल का नाम क्या है मैक्रोफेज ठीक है और वहीं पे ऊपर एक सेल प्रेजेंट है जो सेरोटोनिन हिस्टामाइन हेपरिन सिक्रीट करता है एंड दिस सेल इज कॉल्ड एस्मास्ट सेल कॉलास मास्ट सेल ठीक है बच्चों तो ये कुछ इसी तरीके से पूरा डायग्राम आपकी एनसीआरटी में बना हुआ है अब जरा इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर ले बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में यस yes. तो आ जाओ फर्स्ट पॉइंट हम करने वाले इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फंक्शन तो बेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं तो जैसे कि मैडम ने जैसे कि मैंने आपकी मैडम ने पहले ही बताया है ना कि यहाँ पे मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा ज्यादा तो अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इसका अमाउंट क्या होगा ज्यादा तो लिखिए ज्यादा हिंदी में भी लिखा कीजिए बच्चों यस हिंदी हमारी मातृभाषा है फिर उसके बाद बच्चों अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स में मेजोरिटी फाइबर्स कौन से होते हैं कोलाजन फाइबर्स कौन से होते हैं बच्चों कोलाजन फाइबर्स ठीक है फिर उसके बाद अगर यहाँ सेल्स की बात करें तो सेल्स में आपको कौन कौन से दिख रहे हैं फिब्रोब्लास दिख रहा है मास्टर सेल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीआर एंड आपको कौन सा सेल दिख रहा है बच्चों मैक्रोफेज एंड मैक्रोफेज तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात अब जरा इसकी लोकेशन की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट इट्स लोकेशन तो यहाँ पे लिखते हैं उसकी लोकेशन यस yes, आ जाओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन योर बॉडी बोलो मेरे साथ यस मोस्ट अबंडेंट होता है मोस्ट अबंडेंट क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिनीथ द स्किन बेटा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन देखो दिमाग अभी तुम आ लगवाती हो लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गन कौन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन स्किन तो स्किन के नीचे जो चीज होगी वो भी मोस्ट अबंडेंट होगी सो इट इज मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ स्किन बिनीथ राइट बच्चो देन नेक्स्ट इट ऑल्सो कनेक्ट मसल्स एंड इंटेग्यूमेंट ऑल्सो कनेक्ट मसल एंड इंटेग्यूमेंट एंड इंटेग्यूमेंट यानी आपकी स्किन उसके बाद बच्चों इट गिव्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम, बेसिक फ्रेमवर्क फॉर फॉर एपिथीलियम.

तो यानी कि इसमें हम फैट सेल्स के बारे में बात करेंगे तो आज जो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों कौन सेल्स एडिपोसाइट यहाँ पे इसके न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्या है आपके फैट डिपोजिशन है तो ये वाला भरा हुआ है ये वाला फैट से भरा हुआ है ये वाले दोनों फैट से खाली है ठीक है सो सेल का नाम क्या है बच्चों एडिपोसाइट ठीक है और इस वाले में फैट भरा हुआ है तो इसे हम लिख देंगे फैट फैट लेडन एडिपोसाइट फैट लेडन एडिपोसाइट ठीक है तो इस तरीके से हो गया अब इसके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड एंड फंक्शन पे आते लेट्स कम टू फंक्शन बेटा सिंस ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें भी मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा ज्यादा मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा ज्यादा ठीक है यस yes. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी हाई ठीक है फाइबर्स क्या होंगे बच्चों यहाँ पे कम होंगे और मेनली जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे एंड एंड एडिपोसाइट्स एडिपोसाइट्स और इसका फंक्शन क्या होगा वट विल बी दशन मेरे बच्चों फंक्शन तो एक ही है फैट स्टोर करेगा फैट स्टोर करेगा तो इंसुलेशन मिलेगा रेजर वायर ऑफ एनर्जी बनेगा ठीक है तो यहाँ पे बच्चों फंक्शन की अगर बात करें फिर टॉक अबाउट द फंक्शन स्टोरेज ऑफ फैट विच एक्ट एज रिजर्वर ऑफ एनर्जी राइट बच्चो एवरीबडी इट टेल मी इन द चैट बॉक्स सबको समझ में आ गए ये वाले पॉइंट सबने लिखे डू लेट नो इन द बॉक्स बच्चों डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स डन हाँ मुझे पता है तुम लोग नोट्स बना रहे हो इसलिए नहीं लिख रहे हो चार्ट्स में पता लग गया मुझे बेटा अब हमें टाइप्स ऑफ फैट्स करना है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, है वो क्या करना है बच्चों टाइप्स ऑफ फैट्स ठीक है तो ये वाला टॉपिक आपने जरूर देखा होगा काफी मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फैट्स बेटा दो तरह के फैट्स होते हैं कितने तरह के होते हैं जी बताइए पहला होता है व्हाइट फैट ठीक है दूसरा होता है ब्राउन फैट दूसरा होता है ब्राउन फैट ठीक है अगर वाइट फैट की बात करे अगर व्हाइट फैट की बात करें तो एडिपोसाइट के अंदर फैट एक ही लॉक्यूल की फॉर्म में स्टोर होएगा कि इस तरीके से स्टोर होएगा ठीक है बच्चों वहीं पे अगर ब्राउन फैट की बात करे तो यहाँ पे फैट छोटे 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 और छोटे छोटे फॉर्म्स में स्टोर होगा ठीक है, यस yes, बिल्कुल तो ये वाला क्या है बच्चों दिस इज मोनोलॉकुलर मोनोलॉकुलर टाइप ऑफ फैट स्टोरेज क्योंकि एक ही एक ही लोब है ना बच्चों? यस yes. जबकि वो क्या है मल्टीलोकुलर ये क्या है मल्टीलोकुलर यानी कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 फैट ग्लोब्यूल्स है ठीक है अब बच्चों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका कलर व्हाइट क्यों है क्योंकि इसके पास बहुत कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता? So होता है माइटोकॉन्ड्रिया सो दे हैव लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जबकि ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बेहद ज्यादा होता है बेहद ज्यादा होता है तो बच्चों कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कौन सा जल्दी बर्न होगा बताइए यस yes. कौन सा जल्दी बर्न होगा बच्चों ऑफ कोर्स ब्राउन फैट तो ये ये धीरे से ऑक्सीडाइज होगा है ना यस yes. ये होगा बच्चों धीरे से धीरे से ऑक्सीडाइज ठीक है जबकि अगर हम इस वाले की बात करें बच्चों धीरे में बड़ी की मात्रा की छोटी की आएगी यार ये समझ नहीं आ रहा तुम हैंडल कर लेना ठीक है जबकि ये क्या होगा बच्चों क्विकली ऑक्सीडाइज ये वाला क्विकली ऑक्सीडाइज होगा ठीक है अब आते बच्चों ये वाला होता क्या है ये प्रेजेंट होता है ब्लबर ऑफ वेल्स यानी जो वेल्स की चमड़ी है वेल, यानी की चमड़ी ठीक है? ना बच्चों वही वाली, अच्छा अच्छा, धीरे, धीरे वाली? अच्छा, अच्छा, अच्छा 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 नहीं समझ गए समझ गए तुम्हारे तो इश्क मोहब्बत हम समझ गए जरा यस आप ठीक है

ऐसे वाला हंप ठीक है यस वो और ये वाला जो ब्राउन फैट है बच्चों ये कहाँ पे मिलता है ऑफ कोर्स ये मिलता है न्यूबॉर्न बेबीज में ये मिलता है न्यूबॉर्न बच्चा लोगों में ठीक है बिल्कुल और हाइबरनेटिंग मैमल्स में और कहां मिलता है बच्चों ये हाइबरनेटिंग हाइबरनेटिंग मैमल्स में जैसे पोलर बेयर जैसे पोलर बेयर ठीक है चलिए लिखिए सब चैट बॉक्स में लिखा सबने यस yes. टेल ऑफ मरीनो शीप बेटा शेख ये तो क्या पीएचडी कर रहा है इसमें है तो पीएचडी करनी है टेल ऑफ मरीनो शीप मतलब यार नेक्स्ट लेवल यार नेक्स्ट लेवल यस नेक्स्ट लेवल खेलते हो बच्चों तुम कई बार यस ओके बेटा मैंने गलत ही गा दिया आज गाना गाना मुझे गाना ही नहीं चाहिए तुमने तो मेरा हक ही छीन लिया मेरी मस्ती का तुम अलग ही मोड में आ गए हो पहले क्या होता था जी स्क्वायर बोलती थी बच्चे डरते थे अभी अपन उल्टा हो रहा है आजकल क्लास में कल से पता नहीं क्या हो गया है यस मैं गाना ही नहीं गाने का कुछ नहीं कुछ नहीं आओ और सिर्फ पढ़ो अब सिर्फ सिर्फ पढ़ो तुम लोग यस अब हमारे पहला वाला हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया अब हम चलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे यस आ जाओ अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे चलेंगे ऐसे डरा के रखा होगा बिल्कुल टीचर को तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हाँ समझ मैं चलो आ जाओ जरा यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे ठीक है तो पहला वाला डायग्राम कौन सा बच्चों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जबकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हेडिंग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मैम विच फैट डन इन बेबी ब्राउन फैट यस बिल्कुल यहाँ पे बनाएंगे बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू

पढ़ नहीं रहे नालायक पंचायती करा लो सबसे अभी तुम सबके मम्मी पापा को बोलती हूँ मैं ठीक है आ जाओ यस ओके बेटा डायग्राम की तारीफ कितनी हो रही है आज इतने प्यारे डायग्राम बना रही है मैम आज कोई तारीफ ही नहीं कर रहा डायग्राम्स की एक एक डायग्राम इतना उमदा बन रहा है शानदार देख लो कितना प्यारा बन रही है बिल्कुल अब देखो यहाँ पे ये यह हम फाइबर्स बना रहे हैं दिस ऑल आर कोलेजन फाइबर्स हियर यू कैन सी दे ऑल आर पैरेलली अरेंज टू वन अनदर द ऑल आर पैरेलली अरेंज टू वन अनदर ठीक है अब आते दूसरे वाले पे आते हैं आ जाओ इसमें गोथपोच कर दो कुछ भी कर दो गोथपोच कर दो इसमें क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं है ना तो इसलिए तो इररेगुलर है ठीक है चलो

कोलाज़न फाइबर्स आर पैरेलल टू फेब्रोब्लास्ट सेल्स ठीक है तो ये बिल्कुल पैरेलली अरेंज होंगे अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट थिंग जो आपका मैट्रिक्स है उसका अमाउंट क्या होगा बच्चों मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा बच्चों कम होएगा, फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा और इसका आपका एग्जाम्पल क्या बच्चों बस हो गया यार बच्चों हो गया बस एक सेकेंड नाउ लेट मी गेट बैक इट्स स्क्वायर स्क्वायर इट्स रुको अब जरा लेट मी हैंडल द क्लास यस लेट मी हैंडल द क्लास यू पीपल आर गोइंग आउट ऑफ माई हैंड्स जो कभी हुआ नहीं तक yes. आज तक यूट्यूब पे यस आज यू पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द हैंड्स ठीक है यस ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है यूट्यूब पे और ना ही आगे कभी होगा ऐसा ठीक है yes. यस तो बच्चों सुधर जाओ बहुत पिटाई लगाओगी पढ़ लो अच्छे से पढ़ा रही एक एक चीज लिख रही हूँ अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ ना फिर देख लेना तुम लोग यस पढ़ो।, पढ़ो अब चुपचाप से बहुत गुस्सा करूंगी मैं आ जाओ चुपचाप से यस अब इसके एग्जाम्पल क्या है चलो इसके दो एग्जाम्पल हमें करने

ठीक है तो इसलिए इलास्टिक होता है नेचर में जबकि जो आपका टेंडेंस वाला है दिस इज रिच इन कोलाजन फाइबर दिस इज फाइबर तो ये क्या हो जाता है इन इलास्टिक ये क्या हो जाता है बच्चों इन इलास्टिक ठीक है अब आते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे बच्चों अगर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है जमेंट ठीक है कॉम्पैक्टली पैक्ड है बट पार्लल अरेजमेंट नहीं है ना टिल्लू टिल्लू आज रुक सो हियर द सेल्स विथ फेब्रो ब्लास्ट सेल्स ओके बच्चों पहली पॉइंट तो ये है दूसरी चीज क्या बच्चों ये होते कहां पे इसकी लोकेशन क्या है डर्मिस ऑफ स्किन डर्मिस ऑफ स्किन डर्मिस ऑफ स्किन तो ये वहां पे ये मिल जाएगा लिखो बस इतना ही है इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं यस ओके लिखा सबने कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में यस बच्चों यस नेक्स्ट स्टार्ट करें यस yes, बच्चों देखो ब्लड और लिम तो मैं पढ़ा चुकी हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम में तो अब हमें दो चीजें करनी है एक तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज ठीक है यस बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आज हम जो नेक्स्ट हम करेंगे द थर्ड टाइप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू

Is going to make the outermost layer of cartilage and this outermost layer of cartilage is called as perichondrium this is what do you call this bacho this is called as perichondrium perichondrium okay and this perichondrium is made up of dense irregular connective tissue kise bacho ye dense रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये किससे बना होता है बच्चों डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आएंगे वो होंगे आपके कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कौन से होंगे बच्चों कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स तो यहाँ पे हम दूसरे टाइप के सेल्स बनाने वाले एज यू कैन सी दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रो जेनिक सेल्स और ये कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कॉन्ड्रो मीन काटले जेनिक मीन्स टू जनरेट यानी कि बच्चों ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ठीक है यस yes. अब बच्चों जब ये डिवाइड करके थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं जैसे तुम तो हुए नहीं हो अभी तक मैच्योर तुम तो अभी वही अपनी बाल अवस्था में हो तो ये तो मेच्योर हो जाते हो तुम तो बड़े होंगे नहीं यस yes, बिल्कुल अब जैसे ही होते हैं बच्चों तो मेच्योरेशन के बाद ये टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स तो ये वाले सेल्स कौन से बच्चों कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है दे एक्टिवली सिक्रीट मैट्रिक्स एंड फाइबर सो दे एक्टिवली सिक्रीट मैट्रिक्स

एवरीबडी इज राइटिंग विद मी डायग्राम क्लियर है सबको तो ये तो हो गया आपका कार्टिलेज दिस इज योर कार्टिलेज द सेक्शन ऑफ कार्टिलेज ठीक है अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं बच्चों यस लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिलेज

आ जाओ बच्चो, पढ़ लो अच्छे से नाम रोशन कर देना जी स्क्वायर का है ना यस yes. जेठालाल आ गए जेठालाल हमारे यहाँ नहीं आते यस yes. जेठालाल जी स्क्वायर क्लास यस yes. <laughs> बिल्कुल

इस तरीके से दिखती है ऐसी हड्डी किसी की नहीं दिखती ये बात कहनी पड़ेगी ऐसी <laughs> हड्डी किसी की नहीं दिखती बच्चों ये ऐसी फ्रैक्चर होने के बाद की हड्डी है बच्चों ऐसा मान लेना ठीक है यस yes. मान लेना कि फ्रैक्चर हो गया था फ्रैक्चर हो गया था बच्चों यस मान लेना यार मान लो यार क्या रखा है यार मानने में जिस खुशी तो हो जाएगी यार तुम भी यार यस अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे रेड कलर से मैम भर रही है रंग ठीक है लाल रंग भर देते हैं यस yes, बेटा जितना लाल रंग डेंजर का होता है ना याद रखना लाल रंग उतना ही प्यार का भी होता है हाँ वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें लाल रंग से डर लगता है या प्यार होता है ठीक है बात याद रखना मैम की यस इट्स इन योर सोच या आपके दिमाग की सोच है कि आप लाल रंग को कैसे लेना चाहते हो यस yes. है ना बच्चों सही बात है या नहीं है बता दो चैट बॉक्स में अब तो जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ उसमें फिलिंग कर रही हूँ तो तब तक बच्चों देखो बातें तो चलती रहेंगी बातें करना तो वैसे भी हमें बहुत पसंद है बिल्कुल अब यहाँ पे बच्चों येलो बोन मैरो बना रहे हैं। तो यहाँ पे येलो कलर भर रही है मैम एज यू कैन सी तो यहाँ पे हम येलो येलो कलर भर रहे हैं क्योंकि ये येल्लो बोन मारो है ना ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भर दिया ना पूरा यस

आप देखो ये जो जो है अब ध्यान ध्यान से सुनो सब को पढ़ाई भी ध्यान दिया करो ये जो ends of the bones होते क्या क्या कहते हैं हैं बोलते ends of the bones को? तो यहाँ पे दोनों बोन में सबसे पहले आप लिखेंगे जो बीच वाला हिस्सा वो काफी लंबा हिस्सा है इसे डायफाइसिस बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों बोलेंगे या फिर शाफ्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे शाफ्ट बोलेंगे ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बाहर वाला हिस्सा है जो बाहर वाली सफेद रंग की रेखा आपको दिख रही है बच्चों, वो है पेरी क्या है बच्चों पेरी और जो अंदर वाली सफेद रंग की रेखा आपको दिख रही है वो है आपकी एंडो क्या है बच्चों एंडो ऑस्टियम और जो येलो येलो कलर का आपको दिख रहा है कुछ और नहीं है येलो रंग का बल्कि आपका येलो बोन मैरो है क्या ये आपका येलो बोन मैरो येलो येलो बोन बोन का फंक्शन क्या होता है? इट फैट क्या स्टोर करता है इट फैट ठीक है बिल्कुल हड्डी ऐसी लॉन्ग बोन्स के उसको हम क्या कहते हैं रेड बोन मैरो और रेड बोन मैरो में आपको पता कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों को हम क्या कहते हैं वी कॉल दिस एज ब्लड फॉर्मेशन क्या बनता है यहाँ पे ब्लड ठीक है तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है और ब्लड फॉर्मेशन के लिए एक आपको हार्मोन की भी जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है बच्चों हार्मोन की और वो हार्मोन कौन सा बच्चों एरिथ्रोपोइटिन क्या है वो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहा से आता है किडनी से

यह मना रहे पेरी ऑस्टियम, वही अंदर वाली जो रेखा है ये वाली इसे हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों इसको दोनों ही जो लेयर्स है।, है उसके पास कौन से सेल्स होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स ठीक है कौन से सेल्स होते हैं तो है बच्चों कौन सेल्स है ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स तो ये कौन सेल्स से है बच्चों ऑस्टियोजेनिक सेल्स तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ऑस्टियोजेनिक अब ऑस्टियोजेनिक के बाद हम वो सेल्स बनाएंगे जो क्या बनाते हैं फाइबर और मैट्रिक्स तो वो कौन से होंगे ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे अब जो सेल्स मैम बना रही हैं ये कौन से सेल्स हैं मेरे बच्चों कौन से सेल्स है ये मेरे बच्चों एसी चल नहीं रहा है बच्चों बड़ी गर्मी लग रही है यार आओ जल्दी से पढ़ लो यार बहुत मेहनत चल रही है यस बिल्कुल ने बनाया था? बताया था? और दूसरी चीज क्या बनाते हैं मेरे बच्चों फाइबर्स क्या बनाते हैं फाइबर्स ठीक है अब जब इन्होंने खूब सारा मैट्रिक्स बना लिया है खूब सारा फाइबर बना लिया है खूब सारा मैट्रिक्स, खूब सारा फाइबर बना लिया है तो अब इसको अच्छे से अरेंज भी तो करना है और जब हम इन्हें अरेंज करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होता है और इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को क्या कहते हैं बता दो मेरे बच्चों क्या कहते हैं इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को कहते हैं लेमिला क्या कहते हैं मेरे बच्चों इनको लेमिला ठीक है यस yes. तो यहां पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स है दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ फाइबर एंड दिस इज कॉल्ड एज लेमिला दिस इज कॉल्ड एज वॉट लेमिला ठीक है बच्चों और लेमिला के बीच में स्पेसेस है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज दिस फ्लूइड

ये जितने हमारे चैट बॉक्स के प्राणी है ना वो सारे बना दिए मैम ने यस yes, बिल्कुल ये बनाई हमने डिम्पल yes, ये हमने बनाई खुशी. ये हमने बनाया रज्जत. और कौन है भाई yes, ये बनाई हमने चंचल ये बना हमने खेमू। ठीक है, ये बना हमने टिल्लू ये देखो ये सारे बन गए दी स्टारे सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट ऑस्टियोसाइट सॉरी बच्चो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टि ठीक है ऑस्टियोसाइट और बीच वाला केनाल क्या बच्चों व्हाट इज दिस बीच वाला केनाल दिस इज हेवर्जन केनाल ये हेवर्जन केनाल है और हेवर्जन केनाल के पास सप्लाई होती है ब्लड वेसल की लिम्फेटिक वेसल की और नर्व्स की और नर्व्स की यस yes, बिल्कुल इतना बनाया सबने अब देखो तुम्हें हेवर्जन केनाल तो पता लग गया ये होता है ये होता है

इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो कोलाजन फाइबर की बनी है उन्हें लेमिला कहते हैं हर रिंग के बीच में एक जगह है कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं लेक्यूना कहते हैं और उनमें स्टार शेप सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं आया कि नहीं आया समझ में एवरीबॉडी राइट दिस इन योर नोटबुक एंड दिस वन कंप्लीट गोला इज कॉल्ड एज ऑस्टियन विच यू फाइंड ओनली इन मैमेलियन बोन्स ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेमेलियन बोन्स में मिलता है राइट right? लिखा सबने यस टेल मी इन द चैट बॉक्स बेटा अगर वॉल्यूम कम है तो अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लेना यस yes. जेठालाल आ गया जेठू अरे मेरा जेठू कहां है यस यस बच्चों वेरी नाइस बच्चों वेरी नाइस चलो लिखा सबने एवरीबॉडी हैज रिटन दिस वेरी गुड वेरी गुड यस चलो वेरी नाइस 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 तो बेटा डायग्राम बहुत ही सुंदर बनाया है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन आल्सो बिल्कुल आई होप आपको जरूर ये समझ में आया हो सो वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स हमने ये सब कर लिया बच्चों बहुत ही अच्छे नोट्स में किया नाउ हियर यू हैव अ क्विक क्विज चलो आ जाओ क्वेश्चन 1 बता दो आंसर क्या है Find the correct statement. Areolar tissue is a loose connective tissue. Tendon is a specialized connective tissue. Cartilage is a loose connective tissue. Adipose tissue is a dense connective tissue. So, you can tell me the answers in the chat box. Yes. Yes. Answer for this question is. ओके टेनन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉल्स क्योंकि इसका आंसर क्या होगा ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर में है ना यस कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू यस नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंपैरिजन टू अरे 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 कोई तो संभाल लो इन कंपैरिजन टू ह्यूमन एरिथ्रोसाइट फ्रॉग एरिथ्रोसाइट्स आर वेरी नाइस क्वेश्चन यस

बता ही दिया जस्ट ट्राई टू गेट आना हम्मी हमको भाई आंसर है कार्टिलेज ये तो आपको पता ही लग रहा होगा यस yes.

यस आंसर इज बच्चों कॉन्ड्रोइटिन क्योंकि नाम से पता लग रहा है कार्टिलेज की बात हो रही है कोंड्रो कोंड्रो ऐसे रिलेट क्या करो ठीक है यस अब आते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय ये भी आज की क्लास में बताया था आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन द क्लास यस एडिपोसेल्स रेटिकुलर सेल्स प्लाज्मा सेल्स मास्ट सेल्स क्या है आंसर बच्चों मैम कार्टिलेज रिपेयर कैसे करता है बेटा डिफ्यूजन होता है मटीरियल का फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू और तब जाके फिर वो रिपेयर रिपेयर करता द ऑफ कार्टिलेज इज रियली स्लो क्या है आंसर बच्चों आंसर है बच्चों प्लाज्मा सेल्स क्या आंसर बच्चों प्लाज्मा सेल्स तो इसके साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त आई होप यू रियली लाइक टुडे सेशन बच्चों स्टे स्टेट फॉर मोर सेशन कमिंग अप टुमारो ठीक है एनिमल किंगडम हम आगे करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज हम करने वाले हैं सो स्टे ट्यून ठीक है और नया साल भी आने वाला है क्या क्या प्लानिंग है बताना मत भूलना ठीक है चलो अभी हम चलते हैं डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस इज योर चैनल दिल से टीचिंग दिल से जी स्क्वायर दिल से मेरे बच्चे है ना यस yes. चलो बेचा आई बी वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट सेशन और आज चार बजे हमारे चार्डी मिनिस्टर गोनकम लाइव ठीक है एंड वी विल हैव अ फुल सेशन विद यू सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द सेशन एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड चलो बाय बाय Have a nice day, bye.